आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लियरली ये सीख सकते हैं कि कैसे आप किसी एंड्रॉयड डिवाइस को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। अब चाहे वह मोबाइल फोन आपके फ्रेंड्स का हो, आपके रिलेटिव्स का हो, या फिर जो व्यक्ति आपके यहाँ पर जॉब करता है उसका भी हो सकता है। तो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से समझें, क्योंकि यह मेरी आपसे एक विनती है। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, एंड्रॉइड मोबाइल को अपने कंट्रोल में करने के लिए या फिर इसे एक्सेस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नेम है स्पाई ह्यूमन। सबसे पहले आपको जाना है स्पाई ह्यूमन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को उस मोबाइल पर इंस्टॉल करना है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। आप चाहें तो आप ब्लूटूथ के माध्यम से उसमें सेंड कर सकते हैं या फिर उसी मोबाइल में उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर, जहाँ पर सीधा हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं उस डिवाइस पर जिसे हम ट्रैक करना चाहते हैं। सिंपली आपको ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पाई ह्यूमन। यहाँ से आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है जो कि है spyhuman.com। यहाँ पर आप देखेंगे आपको डाउनलोड का एक बटन मिलता है, यहाँ से आपको इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप देखेंगे आपके सामने आ चुका है स्पाई ह्यूमन का ऑफिशियल ऐप, जो कि आपको इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। अगेन आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपको फॉलो करना है। सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारा ऐप इंस्टॉल होने लगा है। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलता है। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे के स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है, जिसको आपको सिलेक्ट करना है और आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। अगेन आपको एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे ही लाइसेंस मिल जाते हैं, जो एग्रीमेंट है वह यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्पस बताना है कि किस लिए आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं पर्पस सिलेक्ट करता हूँ मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ से आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने होते हैं। हालांकि ऐप पर आपको सारी जानकारी मिलती है कि कैसे कैसे आपको सेटिंग्स को चेंज करना होता है। तो यहाँ से कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जिसको आपको चेंज करना होता है। तो फाइनली हम इन सेटिंग्स को चेंज करते हैं और बढ़ते हैं हम अपनी ऐप की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होता है। तो सबसे पहले हमको क्रिएट करना है अपना एक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास अभी अकाउंट नहीं है। बेसिक अकाउंट्स होते हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि डिवाइस नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। सारे ही इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको इसे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सीधा हम इसे लॉग इन करते हैं। लॉग इन करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ऐप क्लोज हो चुका है और आपके सामने अब एक वाईफाई का आइकॉन आ रहा है। यहाँ पर यह आइकॉन कुछ टाइम के बाद हाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइस में आप इसे ढूंढ नहीं सकते कि यह ऐप कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप सामने वाले व्यक्ति को मोबाइल दे सकते हैं। अब हमको इसको ट्रैक करना है, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी या तो लैपटॉप की या फिर किसी सेकेंडरी मोबाइल की। तो मैं इसे लैपटॉप में यूज करने वाला हूँ। चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, आप अपने एंड्रॉइड फोन से ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है स्पाई ह्यूमन। यहाँ से आपको इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ से आपको सिंपली लॉग इन करना है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि हमने मोबाइल पर अकाउंट बनाते समय क्रिएट किया था। वही सेम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो हम फटाफट से इसे लॉग इन करते हैं। ओके, फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको डेमो शो हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आप मल्टीपल मोबाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल मोबाइल्स को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल मोबाइल्स में भी कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो आप एपीके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन फाइल होती है, उसे आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब अगर आपने ऐप किसी भी मोबाइल डिवाइस पर इंस्टॉल किया है तो आप उस फोन को
पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप कॉल लॉक्स चेक कर सकते हैं, आप SMS चेक कर सकते हैं, GPS लोकेशन देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, आप गैलरी में जा सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ऐप की डिटेल ले सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी तरह से सारे ही सोशल मीडिया को आप डायरेक्टली यहां से एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल भी मिल जाती है, सामने वाले मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे डायरेक्टली आप यहां से उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉल लॉक्स पर, सिंपली आप व्यू मोर बटन पर क्लिक करें। अब यहां पर आप देखेंगे आपको वह नंबर शो हो रहे हैं, यहां पर इनकमिंग और आउटगोइंग शो हो रही है, यहां पर आप देखेंगे ड्यूरेशन शो हो रहा है, डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो इस तरह से आप सारे ही मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें GPS लोकेशन की, तो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको GPS लोकेशन मिल जाती है। व्यू पर क्लिक करके डायरेक्टली आप मैप में देख सकते हैं कि डिवाइस अभी कहां पर है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के मोबाइल पर इसको एक बार ज़रूर इंस्टॉल करें। यहाँ से आप सारे के सारे मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको SMS के ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट बुक मिल जाती है, ब्राउजिंग डिटेल्स मिल जाती है कि मोबाइल में क्या क्या सर्च किया गया है, कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट किया गया है, मोस्ट कॉलिंग नंबर कौन से हैं जिस पर सबसे ज्यादा कॉल किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारा ही डेटा देखने मिल जाता है। थोड़ा हम सोशल मीडिया की तरफ भी चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सोशल मीडिया का आपको आइकॉन मिलता है, व्यू मोर बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने व्हाट्सएप की चैट आ चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो अगर आप और ज़्यादा आगे चेक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से इसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और आपको फीचर मिलता है, वह होता है कॉल रिकॉर्डिंग का। सिंपली आप व्यू मोर बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे उस एंड्रॉयड डिवाइस की हमारे सामने कॉल रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं। वन क्लिक करके आप ऑडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं से आप इसे सुन भी सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, मतलब आप किसी भी मोबाइल को अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह होगी कि आप इसका लीगल यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रिमोट कंट्रोल का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल को डायरेक्टली यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप आइकॉन का, यहीं से आप डायरेक्टली मोबाइल में रिंग कर सकते हैं या फिर मोबाइल को वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर आपको सामने वाली व्यक्ति का अर्जेंट फोटो चाहिए तो यहाँ से आप रियर या फिर फ्रंट कैमरा किसी से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं और वह डायरेक्टली फोटो कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। नीचे अगर आप आते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अगर आप तुरंत सुनना चाहते हैं कि अभी क्या बात हो रही है तो लाइव रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप यह भी चेक कर सकते हैं। फोटोज इमेजेस का ऑप्शन मिलता है, फाइल मैनेजर मिल जाता है, सोशल स्नैप मिल जाते हैं, सोशल मीडिया रिसीप्ट मिल जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पर आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ग्रीन डॉट शो हो रहा है, दैट मीन हमारी जो डिवाइस है वह अभी लाइव है। अगर यहाँ पर आपको रेड आइकॉन शो होता है मतलब अभी उस डिवाइस का नेट बंद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वाले मोबाइल का जो एंड्रॉयड वर्जन है, यहाँ से आप वाईफाई चेक कर सकते हैं, यूजर की डिटेल चेक कर सकते हैं, ऐप वर्जन, बैटरी, IMEI नंबर और इसी तरह की मतलब सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो अगर आप एम्प्लॉय को ट्रैक करना चाहते हैं, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो एक बार आप इस ऐप को ज़रूर यूज़ करें। सो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।